हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत कॉमन पोल्ट्री डिजीज में इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस। क्या आज हम लोग स्टडी करेंगे इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये डिजीज कैसे काज करता है, स्प्रेड कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है, पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट है, इसके क्या क्या रोकथाम है, उसके बाद इसका डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टडी करेंगे इसी के बारे में, आइए स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि सबसे पहला जो है इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस क्या है, बहुत तेजी से सडन अचानक दिखने वाला रैपिड जल्दी से और बहुत ज़्यादा फैलने वाला डिजीज है जो कि चिकन्स में होता है। जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी साउंड जो होता है बदल जाता है, जो मतलब सांस लेने में घिरघिराहट आ जाती है, कफिंग आ जाती है, खांसने लगते हैं और स्नीजिंग छींकने लगते हैं, ये पोल्ट्री बर्ड्स में दिखने लगता है। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिजीज है किसमें, यंग चिक्स में, छोटे बच्चों में, काज हाई मोर्टिलिटी, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बच्चे डेड कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी मृत्यु दर हो जाती है। तो वायरस क्या करता है, ये वायरस अफेक्ट करता है किडनी को। सबसे पहली बात, ये वायरस अफेक्ट करता है किडनीज को। जो बर्ड पड़े हुए हैं, डिजीज गेट इकोनॉमिक लॉस, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि होती है, रिड्यूस एग प्रोडक्शन, अंडे का प्रोडक्शन घट जाता है, पुअर एग सॉयल क्वालिटी, अंडे का जो छिलका होता है ऊपर वाला उसकी क्वालिटी घट जाती है। उसके बाद ब्रॉयलर और लेयर की बात करें तो इन्फेक्शन से उनका वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्या उनका वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है, एक भोजन की इफिशियंसी घट जाती है, भोजन कम करते हैं। उसके बाद सभी चिड़िया, सभी एज के चिड़िया में यह डिजीज होने का चांस होता है, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर चाहे कैसा, और मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब काज की बात करें, ये कैसे होता है, एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, क्या कोरोना वायरस की वजह से ही होता है ये। आप सभी कोरोना वायरस का नाम जान सुने होंगे, लेकिन यह बर्ड्स में इस कोरोना वायरस की वजह से ऐसा होता है। द वायरस सर्वाइव्स आउटसाइड द बर्ड, यह चिड़िया के बाहर भी सर्वाइव करता है करीबन हफ्ते या फिर महीनों तक, और यह रैपिडली किल्ड कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स, यह बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉमन डिसइंफेक्टेंट से नॉर्मली मर सकता है, लेकिन इसका सही समय पर उपयोग किया जाए तो। स्प्रेड की बात करें कैसे फैलता है, तो सबसे पहला फैलने का जो तरीका है वो एयर के द्वारा, जो सांस लेते हैं उससे फैलता है। उसके बाद दूसरा उनके फिशेस के द्वारा, मतलब लैट्रिन के द्वारा उनके बर्ड्स के। तीसरा जो है पीपल एंड वायरस कंटामिनेटेड मटेरियल, जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं या फिर आ जा रहे हैं, या फिर तो कोई ऐसा मटेरियल जिसमें वायरस से इन्फेक्शन हो, तो उससे भी यह फैलने का बहुत तेजी से चांस होता है। दूसरा जो है कैरियर, जैसे कि एक चिड़िया से दूसरी चिड़िया में फैलता है। उसके बाद यह चार वायरस जो है ये नॉर्मली चार हफ्तों तक कहीं भी रह के रिकवर हो सकता है। उसके बाद अगला हम लोग बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में जो है रेस्पिरेटरी फॉर्म में दिक्कत हो जाती है सभी चिड़ियों में, सांस लेने में दिक्कत होगी, कई प्रकार के सांस में दिक्कत होगी, जैसे छींकने लगेंगे, नाक उनके नाक से पानी जैसा डिस्चार्जिंग होने लगेगा, आँख से भी पानी जैसा हो, उसके बाद फेसियल चेहरा सूज जाएगा। रिप्रोडक्टिव फॉर्म में क्या बात करें, तो अंडे का प्रोडक्शन घट जाएगा, अंडे क्वालिटी घट जाएगी, जो छिलका रहेगा मुलायम हो जाएगा। उसका दूसरा जो है किडनी फॉर्म में डिप्रेशन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा, और मोर्टिलिटी रेट करीबन 30% तक हो जाता है कभी कभी। आगे हम लोग बात करें पोस्टमार्टम फाइंडिंग की, पोस्टमार्टम में क्या क्या मिलता है, तो अगर माइल्ड वाला होगा तो क्या बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उनके नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलेगा। लेकिन मोर सेवर फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, प्लग में फाउंड इन लोअर ट्रेकिया, उनके जो सांस लेने वाली ट्रेकिया या ब्रोंकी है, मतलब नली है, उसमें कुछ फंस जाता है और वो मर जाते हैं। और किडनी की बात करें किडनी फॉर्म वाले में, तो किडनी फॉर्म वाले में किडनी में क्या होता है, किडनी फूल जाती है और पीली पड़ जाती है। और यूटेरस की बात करें तो यूटेरस डिस्टेंट और यूरेट्स फैल जाता है यूटेरस, और कुछ चिड़ियों में विसरल गॉट और उसके बाद ग्रेनुलर मटेरियल्स यूरेट्स ऑफ कोट इंटरनल आर्गन, उनके इंटरनल आर्गन में बहुत प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। डायग्नोसिस की बात करें, इनका पता कैसे किया जा सकता है, तो सिम्टम्स में सबसे पहला डायग्नोसिस पोस्टमार्टम फाइंडिंग से किया जा सकता है, लेकिन इसमें डायग्नोस्टिक नहीं होता, इसे सही नहीं पता चलता। इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रानीखेत, यह रानीखेत डिजीज से अलग होता है और इन्फेक्टियस कोराइजा से भी। रानीखेत डिजीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और लेयर फ्लॉक ड्रॉप एक प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, जो पक्षियाँ हैं वो अंडा प्रोडक्शन कम करते हैं, और उसका इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस में
ज्यादा कम कर देते हैं। इन्फेक्टिव कोराइजा जो है या किस पे हिसाब से किया जाता है, उनका फेशियल स्वेलिंग हो जाता है जो कि इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस में बहुत कम देखने को होता है। तो इन दोनों से अंतर हमने समझ लिया कि जो रानीखेत डिजीज में क्या है कि रानीखेत डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा मरने लगते हैं। उसके बाद ये जो इन्फेक्टियस कोराइजा है, कोराइजा वाले में क्या होता है कि उनका फेस बहुत ज्यादा सूज जाता है, जो कि इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता, कम होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इफ मिक्स्ड इन्फेक्शन एज इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक ई कोलाई का दिया जाना चाहिए, उसके साथ माइकोप्लाज्मा का एंटीबायोटिक देना चाहिए। अगर किडनी फार्मोला डिजीज है तो एडमिनिस्ट्रेटन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में देना चाहिए, कई प्रकार के मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में पीने के साथ देना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ध्यान दें, बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, सांस लेने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की वैल्यू से बचाना है तो वायरस को पहले से ही हमें इस रोकने से फैलने से रोकना होगा। यदि वैक्सीन देना चाहिए, लाइव या किल्ड वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, आप सभी उसे देखकर उससे बचा सकते हैं। कुछ स्क्रीन पर फिगर है स्टूडेंट्स, आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि एक 8 दिन का ब्रॉयलर चिकन है जो कि इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस से ग्रसित है। उसके बाद कुछ और फिगर देख सकते हैं, जैसे कि उनके एग में देखिए डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे उनका एग सेल खराब होता है और ये चिचक जाते हैं, मतलब कि एक बिल्कुल चिकना नहीं रह पाता, उनका वो कड़ा नहीं रह पाता, तो आप एक के बारे में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिजीज के साथ। थैंक यू।